अंधकार मुक्ति, ज्ञान अंधकार को हटा के ज्ञान दे दे, उसका नाम गुरु, यानी सदगुरु, सत्य को पाने वाला सदगुरु, उस शक्ति को कहते हैं गुरु, उस रोशनी को, उस ज्ञान को, उस प्रकाश को, उस शक्ति का नाम है गुरु, कोई शरीर का नाम गुरु नहीं। ऐसी विशुद्ध पार आत्माएं जब कभी मनुष्य शरीर में मिल जाए तो ये उनके पास ले लेना चाहिए दौड़ करके, लेकिन आप तो कुछ नहीं, बुलाते रहते हैं आप, भागते हो, होगा क्या, आप हमारी मोटी बातों को सुन जाए। दुनिया के लोग मानने को तैयार नहीं, कलयुग में सतयुग आएगा, ठीक है, मैं आपको मनाने नहीं आया, मैं वो आदमी हूं कि आपको मनाता नहीं लेकिन सुनाता हूं, इसलिए सुनाता हूं कि मेरी बातों को आप याद रखें। कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग के आने के पहले क्या होगा यह आपको सुनने की जरूरत है। यही अहमदाबाद है जिसका इतिहास बनेगा कि कलयुग में सतयुग के आने का, यानी किस तारीख को ढोल बजा शुरू हुआ, उसका एक इतिहास बनेगा। यही साबरमती नदी है जिसमें मैं सन 77 में यहाँ पर आया और जहाँ आकर के 25 दिसंबर को एक बिगुल बजाया और 5 जनवरी 78 तक यहाँ बिगुल बजता रहा, जिसमें सतयुग की, सतयुग के आने के बिगुल में 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न किया गया और उन्होंने ये कह दिया कि दुनिया में सतयुग के आने का बिगुल बजा दो। मेरा काम कोई यज्ञ करने का नहीं था, न मेरा काम अयोध्या में था, न मेरा काम अहमदाबाद में, न मेरा काम काशी में, लेकिन उन्होंने कहा कि ये काम आपके द्वारा होना चाहिए, कराना चाहता हूँ, ठीक क्यों मत, जो आप हुकुम दे हम कर देंगे, लेकिन मेरा ये काम नहीं। मैंने उनके उनके हुकुम का पालन किया, जो अपने आदेश दिया उस आज्ञा को माना और आपके सामने एक ढंडोरा पीट दिया कि कलयुग में सतयुग आएगा। मुझे ये नहीं मालूम, मैं ये कुछ नहीं जानता कि जमीन से निकले उसके आसमान से उतरे, कि इधर से आए कि उधर से आए, कि अग्नि से आए कि हवा से आए, ये मुझे कुछ नहीं, कलयुग में सतयुग आएगा। मैं तो बस ये कहूं, मैं आपको सुनाने आया हूं और ये चाहता हूं कि आप लोग रामायण को याद करें कि जब जब होए धर्म की हानि, गीता को याद करें जब जब होए इदाई सर्वत, तब तब महान आत्माओं का प्रादुर्भाव। फकीर कहते हैं कि 14वीं सदी के अंत में बड़ा कोहराम मचेगा, उसके कई एक निशान उन्होंने बताए कि जब मस्जिदों से बुलंद आवाज निकलने लगे तो समझ लेना कि समय करीब आ रहा है। जब मस्जिदों से बुलंद आवाज ऊपर निकलने लगे तो समझ लेना कि समय जल्दी आ रहा है। इसको आप बड़े ध्यान के साथ में, फकीर ने कहा कि 14वीं सदी के अंत में बड़ा कोहराम कोलाहल मचेगा, उसी समय पर एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर जमीन पर उतरेगा। अब ये मैं नहीं जानता हूँ कि माँ के घर से आएगा कि आसमान से उतर के आएगा, लेकिन जो आने का उसने रास्ता रखा है वो तो माँ के घर से ही रखा, दूसरा आसमान से गिरने का नहीं रखा। उसको आप ध्यान में रखिए, तो जो फकीर ऊपर से आएगा तो क्या 2 बरस का होगा, 2 साल का होगा। समझ लीजिए कि जब वो खुदा का पैगाम, भगवान का संदेश सुनाने लगेगा तो 2 बरस का होगा, और जब वो संदेश देने लगेगा तो हिंदुस्तान की सारी सड़कें काली हो जाएंगी। कलयुग में सतयुग आएगा। मुझे ये बात, मैं आपसे मदद ये चाहता हूं कि इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, एक छोटा सा आश्रम मथुरा में जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, 2 परिचय। तीसरा परिचय, मैं जय गुरुदेव नाम का प्रचार सारे हिंदुस्तान में करता हूं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। दूसरा, कोई भी जय गुरुदेव नाम का प्रचार नहीं करता, मैं प्रचार करने वाला आपके सामने असली नकली नहीं। उसको आप अच्छी तरह से जिधर भी जाएंगे आपको जय गुरुदेव नाम का प्रचार मिलेगा। जय गुरुदेव नाम यानी किसी आदमी और जानवर का नहीं, उस परम पिता परमात्मा, उस परम ब्रह्म का, उस सर्व शक्तिमान, उस भगवान का, ईश्वर का। मुसलमान उसको खुदा कहे या ईसाई उसको गॉड, मैं उसका प्रचार करता हूँ। अपने अपने दरवाजों पर सुसूचक चिन्ह लिखे, ऊपर जय गुरुदेव नाम भगवान का,
नीचे कद्दूक आएगा, एक बीघा खेत में 100 मन गेहूं 100 मन चावल लाएगा। आपको ये लिखने में इतराज क्या? दुनिया के तमाम बेला मजनू की किताबें और तमाम शब्द दिल और दिमाग और तमाम लिखते और आप पढ़ते रहते हैं, ये आपको सूचक है, योगदान मदद सहयोग ये आपका नुकसान क्या? लेकिन अफसोस है इसके लिखने में और इसके याद करने में शर्म, लैला मजनू की कहानियों में कोई शर्म नहीं। नंगे चित्र तो बनाओगे उसमें कोई हया और शर्म आपको नहीं आएगी, लेकिन भगवान की तस्वीर बनाने में आपको शर्म। कलयुग में सतयुग आएगा, इतना बड़ा देश के अंदर परिवर्तन होगा जो तुम्हारे मस्तक यानी दिल और दिमाग और तुम्हारे स्वप्न और खंड भी नहीं। आपको तो अभी कुछ पता है, जानते ही नहीं, बाबा जी को समझते हो, ये तो पागल हो गए, इनको क्या? लेकिन ये बाबा जी आपके सामने जिस मंच पर बैठकर खड़े होकर बोलेंगे, इनकी कोई बात इधर उधर होने वाली नहीं, इधर उधर होने का कोई नहीं। ये बात अलग हो सकती है कि आप मेरी बात को न समझ, वो बात अलग है, उसके लिए आप कुछ निकट में कुछ है समीप में कुछ बात में कुछ आपको आना पड़ेगा तो बातें आपकी समझ में आ जाए। लेकिन आप चाहोगे कि नहीं हम जरा सी 2 मिनट सुने और चले जाएं तो अधूरी बात आपके सुनने में आएगी और अधूरी का परिणाम क्या होगा तो आपको मालूम है, इसलिए मैं और कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। जब दोबारा आपके साथ में कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि काशी में काशी विश्वनाथ बम्बोले शंकर जी 11 दिन तक काशी छोड़कर सतयुग की स्वागत तैयारियों में गंगा रेती पर तस्मीर मैदान में 2 करोड़ से ऊपर नरनारियों के साथ रहे। कब से कब तक? 15 फरवरी 1979 और 25 फरवरी 1979 तक। और उन्होंने कहा कि मैं काशी नहीं जाऊंगा, मैं तो जो प्रदेशों से प्रांतों से नरनारी 2 करोड़ से ऊपर आए हैं इस गंगा तट पर, मैं उन भक्तों के साथ काशी छोड़कर 2 बरस के लिए जा रहा हूँ। काशी में काशी विश्वनाथ बम्बोले शंकर जी अब नहीं है, 2 बरस के लिए काशी छोड़ के चले। अब तो आप पूछोगे कि काशी छोड़ के चले गए तो क्या करेंगे, ये नहीं बताऊंगा, ये मैं बताने वाला नहीं आपको। मैंने जब बताया था, ईसा मसीह ने जब बताया तो आपने रात को मीटिंग करके सुबह फांसी पे चढ़ा दिया। जब मीरा ने बताया तो रात को मीटिंग करके उसको सुबह जहर पिला दिया। जब ऋषियों ने बताया कि सुबह राम को रात तिलक होगा तो रात को मीटिंग करके 14 बरस का वनवास करा दिया। जब भारत जी ने बताया कि कंस तुम्हारी प्रजा तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया, अगर तुम इसको नहीं छोड़ते हो तुमको मारने वाला तुम्हारी बहन से पैदा होगा, तो रात को मीटिंग की, बहन बहनोई को बुला करके मथुरा जेल में बंद कर दिया। जब गुरु गोविंद सिंह ने कुछ कह दिया तो फिर क्या किया कि उनके बच्चे जिंदा ही दीवार पे चुनवा दिए। मोहम्मद ने कुछ कह दिया तो जंगलों की ठोकरें खानी पड़ी, और संतरे महात्मा ने कुछ कह दिया तो रात को मीटिंग करके जिंदा ही सबके सामने बैठाल कर उनकी खाल खिंचवा दी। और हुसैन साहब ने जब कुछ कह दिया बैठे रहो